हाँ, और क्या हाल है। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ सबसे ज्यादा यूनिक सुपर क्रेजी अटैक्स। यूनो सुनने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है ना। वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते तुम इस गेम को खेलना भी सीख जाओगे। तो लेट्स गो टू फर्स्ट अटैक। मैंने चुना है हीलर्स अटैक, 13 हीलर्स एंड 1 विजर्ड। ये हीलर्स का काम होता है ट्रूप को हील करना। 3-4 सफिशिएंट होती हैं, बट मैंने यहाँ पर 13 के 13 ले लिए हैं। विजार्ड ने चलना शुरू कर दिया है। यस यस, आई नीड दैट एलिक्सर, क्योंकि मैं अभी बड़ा भूखा नंगा हूँ भाई। देखो कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरे ख्याल से मेरे को इनको थोड़ा आगे पीछे छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये सारी एक टाइम पे जा रही हैं। देखो एक टाइम पे सारे की सारी इनकी हीलिंग्स जा रही हैं, तो अगर मैं इनको थोड़ा आगे पीछे छोड़ता तो ये मतलब कॉन्स्टेंटली चार्ज होता रहता, ऐसे रुक रुक के नहीं होता। इसके आगे बहुत खतरनाक अटैक आने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे ट्रूप्स इकट्ठा होकर अटैक करेंगे एंड एक अटैक में सारे के सारे होग्स होंगे। और ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस अटैक में आए तो यहाँ पर मेरा विजर्ड मर चुका था एंड मेरे पास सिर्फ किंग बचा था। मजे की बात ये कि किंग के पीछे हीलर्स लग गई थी। गो किंग, तू कर सकता है। मेरा किंग सामने वाले किंग के साथ जाके भिड़ गया, लेकिन मेरा किंग के पास उसकी प्यारी हीलर्स की पावर थी एंड ऑब्वियसली मेरा किंग यहाँ पर जीत रहा था बड़े ही आराम से। हाँ, जीत ही रहा था, लेकिन तभी टाइम अप हो गया एंड मुझे मिले 100 में से 42 नंबर, जो कि एटलीस्ट मैं पास तो मान सकते हो ना मेरे को। पहले मेरे क्लैन में वॉर लगी है। मुझे कुछ सूत्रों से पता लगा कि हमारे बेस को पेल दिया गया है। यस, द अमित, मेरा नाम अमित है यार, क्या हुआ अगर टाइट हो भी मेरा स्टेज नेम है। पेन ने मेरा क्लैन पेला है। पेन के बच्चे, तेरे को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। रुक जा, तेरी ऐसी हम तैसी। पहले इसके क्लैन के ट्रूप्स को निकालूंगा। हाँ यस, इसके पास ये ड्रैगन था, अपने सारे ड्रैगन इस साइड से छोड़ दिया। एक रेज फैल ले जाएगी, ये रेज से थोड़े भड़क जाते हैं। लेट्स गो माय ड्रैगन्स, यू कैन डू इट ड्रैगन्स। 100% यार, इतनी आसानी से। लाइक अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता ना तो मैं इसको 100% बना सकता था। शिट यार, ये स्पेक्टेटर वाले, तेरी वजह से, तेरी काली नजर लगी है मेरे को। वॉर हीरो लगता है। सीओसी वाले भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो चलो अपने अटैक के लिए सेना तैयार कर लेते हैं। सो ये है मेरी पहली सेना। तो यहाँ पर 25 मिनट दिखा रहा है इसको ट्रेन होने के लिए। एक काम करता हूँ, स्पेल्स भी एक एक कर लेता हूँ। सीओसी वालों को पता है कि अगर 25 मिनट तुम ऐसे बंदे को फ्री दोगे तो वो यूट्यूब पे भाग जाएगा, तो इन्होंने इसलिए नाइट बेस को साथ दिया, यानी दो दो बेसिस उनको एक साथ ग्रो करने हैं। तुमको मैं एक अपना सबसे खतरनाक अटैक दिखाने वाला हूँ अभी, लेट्स गो। इनका नाम है बॉम्बर एंड अगर तुम इनकी एबिलिटीज एक साथ दबाओगे तो कुछ ऐसा धमाका होता है भाई। ये थोड़े से बुद्धू हैं, क्योंकि ये दीवारों के पीछे भागे रहते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। रुको यार, मैं तुमको अपना स्पेशल वाला अटैक दिखाता हूँ, जो कि है मेरा बेबी ड्रैगन अटैक। ये पक्का 100% बेच जाएगा। इनकी पता है मेन बात क्या है, जब ये एक मरता है ना तो दूसरे को एकदम से फटैक से गुस्सा आता है, बट अगर कोई करना चाहता है यूज़ बेबी ड्रैगन अटैक तो वो सबसे खतरनाक अटैक होता है। आई नो कि मैं अभी नोब हूँ, मेरा 4 का बिल्डर बेस एंड तुमने तक कमेंट्स कर दिया टाइथो वी, तो बिगड़ गया है। तो क्या ऐसी कैसी वीडियोज बना रहे हैं आजकल। लाइक यार, सच्ची में यार, मैं मिथिला की वीडियो बनाने वाला था बट मेरा मोबाइल मतलब ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता ढंग से। लाइक मैं अगर 1 मिनट इसकी रिकॉर्डिंग करूँ ना तो ये छोड़ जाता है भाई, ये बंद हो जाती है रिकॉर्डिंग और मेरी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो मैंने सोचा कि सीओसी की कर देता हूँ, क्योंकि अगर सीओसी में मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद भी हुई तो मैं आसानी से उसको रिप्ले सेक्शन में जाकर वीडियो बना सकता हूँ। सो लेट्स गो टू द मोस्ट अवेटेड अटैक इन सीओसी। इस अटैक में मैंने हर एक ट्रूप को एक एक करके सिलेक्ट किया है। सबसे पहले उस साइड से शुरू करते हैं, यहाँ पर जाइंट्स जाएंगे। यस यस, बॉम्बर्स, दीवार ब्रेक, यस, गोबलिंग्स, जाओ चोरों, चोरों एलिक्सर भर भर के, नाइस, आर्चर छोड़ देता हूँ साइड एंड नाउ चलो मेरे ड्रैगन्स गो। इनको एक रेस पहल दे देता हूँ एंड इस साइड से होगिंग स्टार्ट कर देता हूँ मैं। होग इस बेस को फोड़ डालेंगे, नहीं फोड़ पाते हैं। जितना दिमाग इसकी सवारी में है ना, उससे कम इनके अंदर है। ओ माई गॉड, लून्स, मेरे ड्रैगन ने उसको बड़े ही आराम से फोड़ दिया और लास्ट में मेरे पास सिर्फ किंग और ड्रैगन बचा। लेकिन डरने की बात नहीं थी, मैंने स्कोर किया 82%। वैसे देखा जाए तो 100 में से 82 नंबर लाना एक अच्छी बात ही है। तो अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता था और मैं सीधा चला गया होग अटैक करने। तो मैंने होग स्टार्ट कर दी दोनों साइड से
ओ भाई भाई भाई, चलो होग्स, गो होग्स, गो होग्स, गो होग्स। होग्स ने फोड़ दिया, सब कुछ लगभग फोड़ दिया था, लेकिन एकदम से उनकी हेल्थ ड्रॉप। लेकिन तुम्हारे भाई के पास संतरी टॉफी थी, यानी कि हीलिंग स्पेल। होग्स के साथ ये पंगा रहता है कि तुमको हीलिंग स्पेल्स लेके जाने पड़ती हैं, जो कि इनको टाइम टू टाइम हील करती हैं, लाइक हीलर्स। हीलर्स जैसे ऐसे पावर दे के हील करते हैं। ये सिंपल एक स्पेल है जो कि अगर हम ट्रूप्स के ऊपर डालें, बहुत हो गया, मैं नहीं बता रहा है। आई नो कि तुमने सीओसी खेली है। सो ये था हमारा होग अटैक। फाइनली बेबी ड्रैगन के बाद फाइनल अटैक में मिलते हैं पूरे के पूरे 3 स्टार्स 100% क्लियर। तो अभी तक अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब तक तुम इस वाली वीडियो को देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम को कंप्लीट किया है, जो कि है गेटिंग ओवर इट।